बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की जो वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, वीडियो ज़रा गौर से देखिएगा। इसमें बहुत सारी खास बातें होंगी, जिनके वीज़ा ख़त्म हो गए हैं वो अपना वीज़ा तजवीज़ कैसे करवाएं, अरब अमारात में वापस जाने के लिए अप्रूवल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कोरोना टेस्ट लाजमी है या नहीं है, कैसे करवाएँगे, और ये आज की जो खबर है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सारी ये बातें। तो आप लोगों ने वीडियो स्किप नहीं करनी ताकि कोई ऐसी बात आपसे मिस ना हो जाए जिसका आपको बाद में दुख हो। तो पहले दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट अपने भाइयों से कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि ऐसी मजीद वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। प्यारे दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी जाती है, मुकम्मल 100% गारंटी है, वो बिल्कुल रियल होती है, उसमें फेक नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आप हमारे चैनल की वीडियोज़ का टॉपिक ले लें और किसी और की वीडियोज़ का ले लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, क्यों हमारे चैनल पे जो अपडेट आप लोगों को मिलती है वो बिल्कुल रियल होती है, क्योंकि हमारे सारे दोस्त एजेंसी में काम करते हैं, वो एजेंसी से जो भी खबर लाते हैं तो हम वही अपलोड करते हैं, अपने पास से नहीं करते। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को डेट बता दूं वीज़ा होल्डर वालों को कि जिनके वीज़े ख़त्म हो गए हैं वो अपना वीज़ा तजवीज़ कैसे करवाएँ। तो जिनके जो 1 मार्च से अप्रैल तक हुए हैं वीज़े एक्सपायर हुए हैं, तो उनको तो वो फ़ौरन रीन्यू करके दे रहे हैं अमारात वाले, लेकिन उनके लिए थोड़ा मसला बन जाएगा। जिन लोगों के मई में वीज़े ख़त्म हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा मसला है, वो ये है कि आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। कब तक? 8 अगस्त तक आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। 8 अगस्त के बाद आप लोगों के वीज़े रिन्यू होने शुरू हो जाएंगे, उससे पहले नहीं हो सकते, क्योंकि कोरोना की वजह से वो डरे हुए हैं और वो स्टेप बाई स्टेप आपके वीज़े रिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये जो 1 मार्च से अप्रैल वाले उनके तो फ़ौरन हो जाएंगे। बाकी रहेगी बात, मैं जैसे बोल रहा हूँ कि मई वाले, तो मई वाले करेंगे 8 अगस्त से उनसे शुरू कर देंगे। तो आप लोगों ने टेंशन में नहीं आना, परेशान नहीं होना, 8 अगस्त के बाद आपका भी नंबर आ जाएगा। उसके बाद जिन मेरे भाइयों का जून और जुलाई से ये वीज़े ख़त्म होंगे, तो उनके रिन्यू कब होंगे वो भी मैं आप लोगों को डेट बता देता हूँ। तो उनको, उन लोगों ने भी टेंशन नहीं लेनी, वो 10 सितंबर तक उनके वीज़े रिन्यू होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जितनी भी मैंने अपडेट दी है प्यारे दोस्तों, ये बिल्कुल रियल है, आप इसका नेट पे सर्च कर लें। सिर्फ और सिर्फ ये मैंने इसलिए दिए थे कि आप लोग टेंशन में ना आए, वेट करें। ये एक साथ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनको डर है कि रश जैसे ही इकट्ठे लोग होंगे कोरोना की वजह से, आप लोगों को पता है कि पहले ही सारे मुल्क बंद हुए हैं, सारे कारोबार बंद हुए हैं, तो ये वो रश ना डालने की वजह से वो थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। उन लोगों ने सारा ये स्केड्यूल बनाया, मार्च वालों को अलग बना दिया, अप्रैल वालों को अलग बना दिया, मई वालों को अलग, जून और जुलाई वालों को अलग बना दिया। तो मैंने डेटें आप लोगों को बता दी है, अब आप अपना अकामा देख लें या अपना वीज़ा देख लें कब ख़त्म हो रहा है, उसका आप लोगों ने कब रिन्यू कराना, तो आप लोगों को सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है, तो आप अब खुद समझदार हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगर ना आए तो डिसलाइक मार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।